करने वालों को अनिरुद्ध करेंगे। हम कर रहे हैं मुर्दा इंसानों और मानव अंगों के कारोबार को बेनकाब। मुर्दा इंसानों की आंख से लेकर दिमाग, लीवर और हड्डियों तक सब कुछ बिक रहा है। मुर्दों के सौदागर संजीव चौहान के पास इन अंगों की पूरी रेट लिस्ट है और वो आगरा में पिछले कई साल से ये बिजनेस कर रहा है। संजीव को बेनकाब करने के लिए हमने उसे कुछ अंगों का सौदा किया। इसी सौदेबाजी को अंजाम देने के लिए संजीव चौहान ने हमें अपने घर बुलाया। आगरा में संजीव से ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। तय समय पर हम संजीव के घर पहुंच गए, लेकिन संजीव उस वक्त हमें अपने घर पर नहीं मिला। हमारी मुलाकात हुई संजीव के पिता राजेंद्र सिंह से। राजेंद्र सिंह ने हमें बताया कि वो पिछले कई साल से स्कूल कॉलेजों में मानव अंगों के मॉडल सप्लाई करने का कारोबार कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह से जब हमने असली मानव अंगों के सौदे का जिक्र किया तो वो घबरा गए और ऐसे किसी भी कारोबार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तो ये जो मानव शरीर के जो अंग है, मानव शरीर जैसे दिल है, किडनी है, लीवर है, तो ये भी आप 1930 से सप्लाई कर रहे हैं? अब ये नहीं करते सप्लाई, ये झंझट की चीज है। बेकार अपन पहले मेडिकल में थे तो लोग आज दे देते थे, कभी तो बात अब नहीं मिलती। अब बंद कर दिया आपने? नहीं, आज से क्या, शुरू से ही बंद है। हमने नहीं, आपने कभी काम नहीं किया? हमने कभी लिए ही नहीं। हम राजेंद्र सिंह की बात सुनकर हैरान थे। क्या उसे वाकई अपने बेटे के गोरख धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या फिर वो हमारे सामने नाटक कर रहा है? कहीं ये कुछ दिन पहले सुर्खियों में आए निठारी कांड के डर से तो नहीं था? पहली मुलाकात के दौरान संजीव ने हमें जार में बंद मानव अंग दिखाए थे जो उसके इसी घर में रखे थे। यकीन करना मुश्किल था कि राजेंद्र सिंह ने कभी भी उन अंगों को नहीं देखा होगा। कुछ ही देर में संजीव आ गया और उसके आते ही जार में बंद मानव अंगों की दुकान फिर सज गई। सबसे पहले संजीव ने हमारे सामने जार में बंद एक महीने का अजन्मा मृत बच्चा दिखाया। ये तो आपका सबसे पहले फूटा। एक महीने का बच्चा है ये? एक से दो महीने के बीच का। अरे वाह, एक से दो महीने के बच्चे होता पॉलिथिन के एक एक करके रखा एक करके थैली होती है, सारी चीजें जमा हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाता है। एक से दो महीने का ये फीटर। संजीव के मुताबिक जितने भी मानव अंग वो हमें दिखा रहा था उनमें से ज्यादातर बच्चों के थे, लेकिन इतने कम समय में बच्चों के अंग वो लाया कहाँ से? ये तो किसी छोटे की लग रही है। फिर छोटे की है ना? बच्चे की है। छोटे की है, बहुत छोटे बच्चे की है ये। है करीब 10-12 साल के बच्चे की है। अच्छा, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर है, पित्ता दो है। अब आपको कौन सही लग रहा है इन दोनों में? ये तो बच्चे का है, गॉल ब्लैडर। अब ये आप डिसाइड कर लो कौन सा बड़ा लेना है या छोटा लेना है। मुझे छोटा ही है, छोटा ही है, बच्चे का गुर्दा, बच्चे की आंखें, बच्चे का दिमाग, हर एक अंग बिकने को तैयार था। लेकिन ये बच्चे कौन थे जिनके अंग हमारे सामने बिकने को तैयार पड़े थे? क्या ये अंग किसी हादसे में मरे लावारिस बच्चों के थे, या फिर कुछ मासूम निठारी कांड जैसे हत्याकांड का शिकार हुए थे, या फिर मामला कब्र से बच्चे निकालने का था? संजीव हमारे ऐसे हर सवाल को टाल गया। हमने संजीव चौहान से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे ऑर्डर देने पर ही इन मानव अंगों का इंतजाम किया है, तो जवाब मिला कि उसके पास ये मानव अंग कई महीनों से पड़े हुए हैं। नहीं, इनको निकाले हुए कितना टाइम हो गया, उससे मैं अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ थोड़ा। नया क्या है, अब यही है, कोई महीने दो महीने, कोई तीन महीने, कोई छह महीने, कोई साल, दो साल। संजीव को इस बात का कोई डर नहीं था कि मानव कंकालों से जुड़ा निठारी कांड आजकल सुर्खियों में है। यहाँ तक कि संजीव ने खुद नोएडा के इस निठारी कांड का जिक्र भी किया। काम करते तो मालूम पड़ा, नोएडा के आसपास बैठे होते। नोएडा के आसपास
कोटी होती नोएडा में, मतलब नोएडा के आसपास ही कोटी होती, दिल्ली से सप्लाई कर रहे हैं नोएडा में ही होते, कौन सा गांव है, निटारी में बैठे होते निटारी के आसपास ही बैठे होते काम गलत नहीं करते। वैसे निठारी का कांड खुलने से काफी धंधे पे असर पड़ा होगा। नहीं, हमारे धंधे पे कोई असर नहीं है क्योंकि हमें गलत काम करते नहीं है जो कि संजीव बेहद शर्मनाक तरीके से मुर्दा इंसानों की सौदेबाजी कर रहा था, लेकिन उसे मुर्दों के इस कारोबार में कुछ भी गलत नहीं लग रहा। वो किसी पेशेवर बिजनेसमैन की तरह मुर्दा मानव अंगों के रेट बताता जा रहा था और हर हाल में हमसे उसी समय सौदा पक्का करना चाहता था। सबके रेट मुझे अलग अलग बता दीजिएगा। ब्रेन आपको 500 का लिख के दिया वैसे मैंने। ब्रेन 500? हार्ट 500? हार्ट 500। लंग्स 800? लंग्स 800 रुपए के। और किडनी 800? किडनी 800 रुपए की। लीवर 800? लीवर 800 रुपए। आई 500? आँखें 500 रुपए की। एक ही है ना ये तो? कितने आइटम होगा टोटली? सात हो गए। सात आइटम हो गए आदमी के टोटल, आदमी के बाद सात आइटम ये आपके हो गए। 5200 का तो ये हो गया आपका। हमने मानव अंगों की इस तरह की खरीद फरोख्त करना मुनासिब नहीं समझा। हमारा इरादा सिर्फ संजीव के इस घिनौने धंधे को बेनकाब करने का था। हमने संजीव से दिखावे का सौदा किया और उसे 8000 रुपए दिए। सारे पार्ट्स के हैं बॉडी के। अब गिन लो दोबारा। अभी 8000 हो गए। 8000 जो है पूरी इंसानी बॉडी के जो अंग हैं उसके हो गए। लेकिन हम कोई भी मुर्दा मानव अंग अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि बहाना बनाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया। अच्छा ऐसा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आज तो आपको अपने पास ही रख लो, ठीक है? आज मैं रुक रहा हूँ, कल सुबह मैं पिक करके निकल जाऊंगा। कल सुबह? हाँ, डाल लेते पीछे गाड़ी में, पहुँच जाता। आ जाए, समझा, मामला रिस्की है थोड़ा। सुबह कितने बजे आपको? सुबह कितने बजे आ जाए हम ये बता दो आप। 10 बजे तक आ जाए। मुर्दा मानव अंगों के कारोबार को हम बेनकाब कर चुके थे, लेकिन कुछ सवाल हमारे सामने जिंदा सर उठाए खड़े थे। कौन है वो बच्चे जिनके अंगों की खुलेआम बोली लग रही है? कौन है वो गुमनाम लोग जिनके कंकाल तक बाजार में बिक रहे हैं? क्या संजीव चौहान अपने मकान के पास बने कब्रिस्तान से लाशें गायब करता है? मुर्दा इंसानों का कारोबार आखिर कहां तक फैला है? ऑर्गन को डेड बॉडी में से ऑर्गन को सेल नहीं कर सकते। आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ब्लड को भी सेल नहीं कर सकते। तो जब ब्लड डोनेशन हो सकता है, सेल इज प्रोहिबिटेड, तो ये तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। दिस इज रॉन्ग। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। जब इंसानियत मर जाती है तो लोग लाशों को बेचने का धंधा भी करने लगते हैं। गुनहगार वो भी हैं जो मुर्दा मानव अंगों को खरीदते हैं। इस धंधे में शामिल लोग कौन हैं? ये लोग मुर्दा अंगों को खरीदकर क्या करते हैं? क्या आगरा के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी यह कारोबार हो रहा है? इन तमाम बातों की छानबीन बेहद जरूरी है।